ओके गाइस, देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, वो भी लीनियर अरेंजमेंट। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्या कहता है, 10 persons आर सीटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 persons इन ईच रो सच ए वे दैट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। देखिए हमेशा दो पॉसिबिलिटीज इसमें लेके चलो, तो दो पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए आप पहले से ही बना दो, ठीक है। कहता है इन ए फर्स्ट रो ए बी सी डी ई ऑल ऑफ आर सीटेड इन एंड फेसिंग नॉर्थ। इस इधर यहाँ जो है ए टू ई बैठता है, ठीक है, नीचे, और नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। और इधर पी क्यू आर एस टी बैठ रहा है, देखिए, और साउथ सीटेड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ठीक है। यहाँ पी से टी बैठ रहा है। आगे देख लीजिए, कहता है देयर फोर इन द गिविंग सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन रो फेसिंग, एक दूसरे को फेस कर रहा है दूसरे रो से। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ई सीट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ई जो है सेकेंड बैठ रहा है, सपोज करो फर्स्ट और सेकेंड इधर बैठा दिए, लेकिन ये नहीं बोला है कि लेफ्ट और राइट किस एंड से, तो एक इधर बैठा दिए। टोटल 5 रो लोग थे ना नॉर्थ में, तो 3 4 5 इधर भी कर दो, 3 4 5, ठीक है, 5 लोग बैठ रहे हैं और हर कोई नॉर्थ फेस कर रहा है। आगे क्या कहता है, पी फेसेस वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई यहाँ है, इसके सेकेंड राइट कौन सा हो गया, इसके सेकेंड राइट फर्स्ट और सेकेंड ये है, तो इसको कौन फेस कर रहा है, आपको कह रहा है पी फेस कर रहा है, तो पी को यहाँ लिख दिया हमने, और ये हो गया 4 5, एक दूसरे को फेस कर रहा है। और इसके देखिए ये सेकेंड राइट इसका कौन होगा, क्योंकि ये तो 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके सेकेंड राइट तो इधर होगा, तो 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, इधर ये पॉसिबिलिटीज़ गलत हो गया, आपको इसी पे केवल काम करना पड़ेगा। आगे कहता है देखिए, डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, तो ये भी नहीं कहते, हाँ देखिए बी हु किसको कहता है, जो जस्ट उसके WHO फैमिली है उसके, तो हु बी के बारे में कह रहा है, बी हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, मतलब कि बी तो यहाँ बैठेगा ही नहीं, ना ही बी यहाँ बैठेगा, एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन कहता है कि डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी यहाँ नहीं, तो बी यहाँ बैठाएंगे तो सेकेंड टू द लेफ्ट एक और दो यहाँ नहीं हो जाएगा, तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और सेकेंड टू द बी के सेकेंड टू द लेफ्ट कौन है आपका, डी है, तो डी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, टू पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड क्यू, एस एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, तो अगर मैं एस एंड क्यू को यहाँ भी बैठा सकता हूँ और एस एन क्यू को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, 2 पर्सन बैठ रहे हैं ना, तो एस एन क्यू को यहाँ पे देखो, या तो एस एन क्यू यहाँ बैठेगा क्योंकि 2 पर्सन है, और या फिर एस एन क्यू यहाँ बैठेगा। आगे देखिए क्या कहता है, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। आर जो है एस के इमीडिएट लेफ्ट है, तो यहाँ आर तो बैठेगा नहीं क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस है, तो आर को कहाँ बैठाना पड़ेगा, आर यहाँ ही बैठेगा, तब तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस होगा, एस ये सही हो जाएगा, एस यहाँ यहाँ क्यों नहीं बैठेगा, क्यों यहाँ बैठेगा आपका, और एस गलत हो जाएगा, तभी आर जो है एस के इमीडिएट लेफ्ट बैठ पाएगा। फिर क्या कहता है, सी सिट्स नेक्स्ट टू बी, जो सी के जिस बगल में, बी के जिस बगल में सी बैठ रहा है, ठीक है, तो जो बचा ए वो यहाँ हो जाएगा, और इधर कौन बचा, पी क्यू आर एस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, तो टी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो पजल है वो सॉल्व हो चुका है। अब आप देख लो क्या कहता है क्वेश्चन में, हु एमोंग द फॉलोइंग फेसेस क्यू, क्यू को कौन फेस कर रहा है, तो क्यू को यहाँ पे ए फेस कर रहा है, ए कहाँ है, तो ये है सी, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, तब आपको जो क्या आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, और पहले सबसे पहले जो इंटरलिंकिंग पॉइंट खोजो और उसके अनुसार से काम करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ किया, ठीक, ओके, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है।